बादल सा घर छे हम सावन सा पर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो आज हमने पढ़ना है ह्यूमन टीथ के बारे में। कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। तो टाइप्स ऑफ टीथ में हमने पढ़ा था इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ। तो आइए प्रोसीड करते हैं। कहता है वी ह्यूमन बींग्स डेवलप टू डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम। कहता है इंसान की ज़िंदगी में जो है दो किस्म के दांत आते हैं, ठीक है। दो तरह के दांत होते हैं अलग अलग किस्म के। एक होते हैं टेम्परेरी सेट एंड द परमानेंट सेट होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी सेट इज सेट टू बी द सेट ऑफ टीथ दैट स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द एज ऑफ टू एंड हाफ टू थ्री मंथ्स एंड कम्प्लीट इन अबाउट टू ईयर्स। कह रहा है टेम्परेरी सेट कौन से दांत होते हैं जो दो या ढाई जो है महीने से जो है एट द एज ऑफ टू और टू एंड हाफ थ्री मंथ दो या तीन महीने से जो है स्टार्ट होते हैं और दो साल की जो है उम्र में वो निकल जाते हैं। तो ये है थोड़ा बेसिक कंसेप्ट किसके बारे में, टेम्परेरी टीथ के बारे में, ठीक है। ये इंसान के जो है इंसान को लाइफ टाइम में दो बार दांत आते हैं। मीजट एक को हम कहते हैं टेम्परेरी सेट और सेकेंड कौन सा होता है परमानेंट सेट। तो टेम्परेरी सेट कौन सा होता है तो आइए उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि टेम्परेरी सेट होता क्या है, कौन से दांत होते हैं और परमानेंट सेट जो है वो कौन से दांत होते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेरी सेट होता क्या है, दिस इज द सेट दैट स्टार्ट्स अपीयरिंग एट द एज ऑफ टू एंड हाफ टू थ्री मंथ्स एंड कम्प्लीट्स इन अबाउट टू ईयर्स। कहता कि टेम्परेरी सेट्स वो दांत होते हैं, मतलब टेम्परेरी सेट वो दांतों की किस्म होती है जो दो या तीन महीने से शुरू हो जाते हैं और लगभग दो साल की उम्र में वो निकल जाते हैं। दीज टीथ आर नोन आर आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। टेम्परेरी सेट जो दांत होते हैं इनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। कितने होते हैं, देयर आर 20 मिल्क टीथ इन द टेम्परेरी सेट। कहता कि जो टेम्परेरी जो सेट होते हैं या जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। फ्रंट टीथ यूजुअली इरप्ट व्हेन अ चाइल्ड इज बिटवीन 6 to 12 मंथ ऑफ एज। कहता कि जो आगे वाले दांत होते हैं वो कब निकलते हैं, जब एक बच्चा जो है 6 से 12 साल का पहुंचता है। सेकंड मोलर्स, उसके बाद मोलर्स आ जाते हैं, कब आते हैं, जब बच्चा जो है 13 से 19 साल तक का पहुंच जाता है। और कैनाइंस कब निकलते हैं, बनते हैं, जब वो 19 मंथ से जो है ज़्यादा मिजट उसकी एज हो जाती है, ठीक है, 19 मंथ। उसके बाद रेप्टाइल्स कहता है कि रेप्टाइल्स एंड शार्क्स रिप्लेस देयर टीथ कंस्टेंटली बिफोर दे वियर आउट। जब वो कहता है वो जब बाहर आते हैं, कौन, रेप्टाइल्स और शार्क जब बाहर आते हैं तो अपने जो जो दांत होते हैं इनको रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। ए क्रोकोडाइल रिप्लेस इट्स टीथ ओवर 40 टाइम इन इट्स लाइफ टाइम। कि जो क्रोकोडाइल होता है उसकी पूरी ज़िंदगी में जो है कितनी बार दांत जो है बदल जाते हैं, 40 बार जो है वो अपने दांतों को रिप्लेस करता है, ठीक है। ऑल्दो द टेम्परेरी सेट इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट सेट, द टेम्परेरी सेट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ द परमानेंट टीथ। कहता कि जो टेम्परेरी सेट होते हैं उनको रिप्लेस कौन करता है, परमानेंट सेट ऑफ टीथ जो इनको रिप्लेस करते हैं। और कहता कि जो टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ होते हैं वो अहम रोल अदा करते हैं किसमें, ताकि देखो जब परमानेंट टीथ ने इरप्ट होना होता है तो उसके लिए एक जगह बन जाती है, तो इजी या कर्नेट मेथड में जो है वो आराम से जो है वो इरप्ट हो जाते हैं। उसके बाद अराउंड द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट गिविंग वे टू द डेवलपिंग परमानेंट टीथ। कहता 6 साल की उम्र में जो बच्चे को जो होते हैं वो परमानेंट टीथ जो है निकलना शुरू हो जाते हैं, सॉरी जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जो है परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। कहता है जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो शेड हो जाते हैं अर्लियर, पहले गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है अगर देखा जाए तो बच्चियों में जो है मीन्स लड़कियों में जो है पहले जो है टेम्परेरी टीथ शेड होता है, गिरते हैं, और जो है उनमें पहले जो है परमानेंट टीथ आते हैं, अगर कंपैरिजन किया जाए बॉयज के साथ, ठीक है। उसके बाद कहते आवर टीथ आर मेंट टू लास्ट
अ लाइफ टाइम बट वी नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ देम। कहता उसके बाद जब परमानेंट ट्री बनते हैं तो वो पूरी लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इवन इन आवर मॉस एंड इनसाइड आवर बॉडीज। कहते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम जो होते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द भी होते हैं, हमारे मुंह में भी होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। व्हेन हार्मफुल बैक्टीरिया इन द माउथ अटैच देमसेल्फ टू द टीथ, जब हार्मफुल बैक्टीरिया जो नुकसान पहुँचाने वाले जरासीम जो होते हैं हमारे टीथ के साथ अटैच हो जाते हैं तो एंड मिक्स विद प्रोटीन इन सलाइवा, और प्रोटीन जो होता है मिक्स विद प्रोटीन, तो प्रोटीन के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जो प्रोटीन का होता है सलाइवा में होता है, उसके बाद देफा में वाइट फिल्म कार्ड प्लेक्यू, उसके बाद देखो दांतों के ऊपर से एक सफ़ेद सफ़ेद का बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेक्यू कहते हैं। तो बच्चों आज का हम इतना ही पढ़ते हैं, तो कल हम आपका लास्ट लेक्चर लेंगे सेकंड चैप्टर का, तो आपका सेकंड चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होगा, तो आप जो हैं ओरल टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। मैं आपका साइंस का जो सेकंड चैप्टर है उसका जो है ओरल टेस्ट लूँगा, मैं भी पहले चैप्टर का भी ओरल ही ले लूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा जो आपकी कन्फ्यूजन है या जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की। आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स पे, ठीक है। थैंक यू।